हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्ते टू ऑल माइने मिज राम प्रकाश उपाध्याय से मैं आपको उन बिगनर्स के लिए राइट सबकी कॉमन क्वेरी रहती है मार्केट में सर डॉक्कर किसके लिए एलिजिबल है कौन इसको लर्न कर सकता है पहला पॉइंट उसके बाद सर डॉकर कंटेनर्स मार्केट में जब आया तो ऐसी क्या लिमिटेशन थी आई टी में कि हमें इसको अडेप्ट करना पड़ा दूसरा पॉइंट उसके साथ में क्यूबानिटी सुना है आप लोगों ने सब ने तो क्यूबानिटी का यूज किया डॉकर ठीक है और किस टाइप की प्रोफाइल के बंदे इस टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं या मार्केट में डॉकर कंटेनर्स कहाँ फिट है राइट सर ये क्या क्लाउड की जॉब है ये क्या सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में आता है ये क्या डेवलपर के यूज में आता है

कंटेनर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में कंपनी में चलने वाला कोई भी डेवलपमेंट कोई भी एप्लीकेशन कोई भी डेटाबेस वी कैन पुट इनसाइड द कंटेनर ऐसा बोलते हैं हम लोग देर इज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म वी आर डेवलपर्ड दे कैन डेप्लो एप्लीकेशन इजिली राइट लेकिन पॉइंट ये आता है सर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेटाबेस रन करना ये तो सब पहले भी हो रहा था तो बिफोर डॉकर का वे क्या था डॉकर से पहले आईटी में क्या वे था एप्लीकेशन चलाने का वेबसाइट होस्ट करने का सिस्टम के ऊपर आज आप ऐसा बोल रहे हो कि कंटेनर्स के अंदर वी कैन होस्ट आवर वेबसाइट्स वी कैन होस्ट डेटाबेस सर्वर सब कुछ रन कर सकते हैं अच्छा है ठीक है लेकिन बिफोर डॉकर क्या था तब आपको मालूम पड़ेगा कि देखो पहले का जो वे था उसमें ये डिफिकल्टी थी मार्केट में देन कंपनियों को लगा कि यार नहीं कंटेनर इज द बेस्ट सोल्यूशन क्योंकि सब चाहते हैं कॉस्टिंग कम हो इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्टिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करना सब चाहते हैं हर कंपनी का एक ही मकसद होता है कॉस्टिंग टाइम मैन पावर का यूज जितना हो कम कर दो सबको ऑटोमेशन चाहिए सबको मैन पावर कम चाहिए और सबको प्रोडक्ट की टाइमिंग सॉफ्टवेयर की जो रिलीज डेट है वो बहुत फास्ट चाहिए और सबको बेसिकली मैन पावर भी कम चाहिए ऐसा कब होगा जब अंडरलाइन आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी उसके अंदर होनी चाहिए राइट तो अब जल्दी से बात करता हूं मैं कि सर डॉकर कंटेनर मार्केट में आया अच्छी बात है लेकिन डॉकर कंटेनर से पहले एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा था राइट तो बिफोर डॉकर हम करते क्या थे सॉफ्टवेयर की जैसी रिक्वायरमेंट आती थी प्रोडक्शन में कि हमें ऐसा मशीन चाहिए जावा का चाहिए हमें लिनक्स सिस्टम चाहिए विंडो मशीन चाहिए उसके अंदर पाइथन चाहिए जावा चाहिए डेटाबेस चाहिए उसके अंदर हमको तो हमारे पास देर इज ओनली वन ऑप्शन मशीन हम करते क्या थे एक वर्चुअल मशीन प्रोविजन करके हम लोग जिसको मशीन चाहिए उसको हैंड दे रहे थे जिसको हम पहले बोलते थे क्या अभी तक का जो प्रोविजनिंग था मशीन का अभी तक मशीन प्रोविजनिंग जो हो रही थी वो टेक्नोलॉजी का नाम था क्या हार्डवेयर वेस्ट वर्चुलाइजेशन हार्डवेयर वेस्ट वर्चुलाइजेशन हार्डवेयर वेस्ट वर्चुलाइजेशन का मतलब सिंपल सा इतना था कि कंपनी के पास ये एक फिजिकल हार्डवेयर है राइट right? इसमें आप ऐसा सपोज करो कि इसमें अच्छा रैम लगा हुआ है वन टिरावाइड का रैम है इसके अंदर और इसमें नंबर ऑफ सीपीयू कोर लगे हुए हैं इसके अंदर और इसमें डिस्क भी आ, इनफ अवेलेबल है तो हम इसके ऊपर करते क्या थे पहले वी इंस्टॉल्ड हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर और हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग करते क्या आते फिर सबको मालूम होगा इस हाइपरवाइजर के अंदर वी आर रनिंग नंबर ऑफ पैरेलल गैस टू जिसको हम बोलते थे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम या इसी को आप बोल देते हो वर्चुअल मशीन ये अभी तक की स्ट्रेटेजी है मार्केट में जो काम करते आ रहे हैं हम लोग लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है इसमें एक प्रॉब्लम ये है ओके okay गाइस तो ये जो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको इसी को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर वेयस वर्चुलाइजेशन जहां एक ही हार्डवेयर के अंदर हम लोग मल्टीपल गैस्ट वेस्ट को एक साथ रन कर पा रहे हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड वर्चुलाइजेशन राइट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है अब सपोज करो इस मशीन के अंदर मैंने ये सिस्टम लिनक्स का था और इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन होस्ट कर दी इसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन चला के छोड़ दिया इसके अंदर एप्लीकेशन ए सर ये मशीन तो एप्लीकेशन ए ने कर ली रिजर्व राइट right? अब एक एप्लीकेशन मुझे और रन करनी होगी तो फिर से सिंपल सा वे है एक मशीन प्रोविजन और कराओ और उसके अंदर एप्लीकेशन वी होस्ट कर दो एक एप्लीकेशन की नीड और आई मेरे पास तो उसके अंदर एप्लीकेशन के लिए एक अलग से बीएम दे दी मैंने सी एक एप्लीकेशन को मैंने यहां कर दिया होस्ट राइट right. तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज आप नोटिस करो कि इसमें यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने रिजर्व कर दिया एक एप्लीकेशन के लिए बस तो एक टाइम आने के बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी ना अभी तो मेरी कंपनी जब कल को क्लाउड पर जाएगी तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर से जब मैं बीएम परचेस करूंगा तो मुझे हर मशीन का एक चार्ज पे करना पड़ेगा अगर ये चारों एप्लीकेशन में एक ही मशीन के अंदर चला पा रहा होता ना तो कहीं ना कहीं ये तीन सिस्टम की कॉस्टिंग को आप बचा पाते तीन बीएम का रैम सीपीयू स्टोरेज का साइज जो इनिशियल आपने दिया था अभी ओएस को बनाने के लिए और इसकी पूरी मॉनिटरिंग इसका पूरी मेंटेनेंस की जो एफर्ट थे सब आपके सेव हो जाते तो सर आप अल्टरनेटिवली पहले ऐसा कर क्यों रहे थे आप एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन रन क्यों नहीं कर रहे थे तो उसकी एक प्रॉब्लम थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन होस्ट करते थे तो एप्लीकेशन दे कैन दे डिटेक्ट लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट सो फाइनली आई मीन आप सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि सर अर्लियर आप जो बी सेटअप कर रहे थे ठीक है उस एक ही मशीन के अंदर हम लोग पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं चला पा रहे थे जिसका रीजन था लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट होना ठीक है अब हम लोग डेडिकेट बीएम सेटअप कर नहीं सकते कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है और एक मशीन के अंदर हम लोग सेप मल्टीपल एप्लीकेशन चला नहीं पा रहे हैं हम लोग तो कंपनी का एक ही बोलना है हम लोगों से कि यार कॉस्टिंग कम करो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग कम हो जाए वो कॉस्टिंग कम कब होगी जब बीएम प्रोविजन होना कम हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बीएम कॉस्टिंग जा रही है हमारी प्रोडक्शन में उसको बनाने का टाइम जो जा रहा है उसकी जो मेंटेनेंस है पूरी वो ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं हम लोग कब होगा? जब एक ही मशीन के अंदर हम लोग सेटअप एप्लीकेशन पैरेलली चला पाए एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन कब चलेंगी जब लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाए लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट होना बंद कब होगा जब हर एप्लीकेशन के पास लाइब्रेरी फाइल सेपरेट हो शेयर ना हो तो यही बॉश आप, आपको समझ में आ गया होगा कि वट एक्चुअल डू कंटेनर कंटेनर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इट आइसोलेटेड एप्लीकेशन लाइब्रेरी फाइल्स कि एक ओएस के अंदर ही अब आप अब आप ये तीन मशीन प्रोविजन मत करो क्या अब ये तीन बीएम जो सेटअप किए आप लोगों ने इनकी आपको नीड नहीं है समथिंग वांट कि सर ऐसा कर दो यार कि तीन एप्लीकेशन के लिए मैं एक ही मशीन को यूज करूं और तीनों एप्लीकेशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग कंटेनर वर्चुअलाइजेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस वर्चुअलाइजेशन राइट तो मैंने एक टर्म्स बोला है क्या मैंने एक टर्म्स यूज किया है कि अभी तक जो मार्केट में टर्म्स था उसको बोलते थे हम लोग हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर बेस्ड वर्चुलाइजेशन ये जो टेक्नोलॉजी थी इसी को बोलते थे हम लोग हाइपरवाइजर बेस वर्चुअलाइजेशन या इसी को बोलते थे हम लोग वीएम वर्चुलाइजेशन वीएम वर्चुअलाइजेशन तो कंटेनर इज नॉट एग्जांपल ऑफ वीएम वर्चुलाइजेशन ये अलग चीज है अब जो बात कर रहे हैं हम लोग आपसे दैट इज कॉल्ड ओवेस वर्चुलाइजेशन तो सिंपल सा कंटेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हुई है सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुलाइजेशन राइट सो कंटेनर ने क्या किया आई में आने के बाद नाउ ऑन अ सिंगल ओ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वी कैन रन ऑफ एप्लीकेशन साइमटेशनली जिसका बेनिफिट क्या होगा कि अब जो कंपनी आज से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग थी अगर एक कंपनी आज से पहले दस बी सेटअप कर रही है तो आज वो चाहे तो एक से दो मशीन के अंदर ही पूरी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट टेस्टिंग एक मशीन के अंदर ही कर सकते हैं बैठ के वो तो समय सिंपल सा मैं इतना अभी बोलना चाहूंगा टेक्निकली कि कंटेनर के आने से बीएम की जो वेस्टेज थी प्रोविजनिंग टाइम बीएम की मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग थी वो हम ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं किसके आने से कंटेनर टेक्नोलॉजी के आने के बाद So, अगर मैं डायग्राम में आपको वापस ले चलूं तो सिंपल सा आप इतना बोलो कि सर कंटेनर इसमें कहाँ आएगा अब तो कंटेनर टेक्नोलॉजी एक्चुअल में ओएस के अंदर चलती है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनराइजेशन आप रन नहीं कर सकते हैं. फिर आपका डाउट रहता है सर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो फिर भी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोविजन एक बार करना ही पड़ेगा लेकिन मुझे अब कंपेयर टू पहले से कंपेयरिंग करूं मैं तो पहले हम लोग दस बीएम सेटअप कर रहे थे क्योंकि वी हैव टेन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन का एक मशीन था आज ऐसा नहीं हो रहा आज मैं चाहूं तो कम से कम एक सिस्टम के अंदर पांच एप्लीकेशन और एक के अंदर पांच एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं आपने जो एट बी कॉस्टिंग थी आपने वो बचा ली अपनी कंटेनर्स के आने के बाद तो एप्लीकेशन डायरेक्टली होस्ट पे ना चला के आई मीन ये जो एप्लीकेशन थी इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना पुट करके पहले हमें इसके अंदर डॉकर कंटेनर डालना चाहिए था इसके अंदर अब मैं डायग्राम थोड़ा सा इसको अगर मैं साफ कर दूं और इसको दोबारा रिवाइज करूंगा आपके लिए तो हार्डवेयर तो आज भी हमको चाहिए और हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी कंपनी में अगर आपको चाहिए कि एक मशीन तो कम से कम सर प्रोविजन हो पाए कैस्टोवेस तो सीधी बात है आपको एक ओएस चाहिए राइट और ओएस के अंदर चल रहा है आपको सपोज करना लिनक्स राइट मैं थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी दिखता रहेगा तो सिंपल सा बी एम है ये राइट इस पीएम में क्या चल रहा है दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स सो अभी तक क्या था डायरेक्टली ऑन लिनक्स सिस्टम डायरेक्टली ओएस के अंदर ही वी आर पुटिंग एप्लीकेशन बट नाउ अब ऐसा नहीं होने वाला अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेटअप डॉकर देन वी आर पुटिंग लॉट ऑफ कंटेनर्स फॉर एप्लीकेशन अच्छा आपका एक डाउट रहता है सर ये डॉकर और कंटेनर में क्या फर्क है तो सिंपल सा मैं अभी ये बोलना चाहूंगा डॉकर देर इज कम्युनिटी नेम दे प्रोवाइडेड टू अस कंटेनर सॉल्यूशन जैसे वी एम वेयर वी एम वेयर एक कम्युनिटी है दे प्रोवाइडेड वीएम प्रोवाइडेडमलाइजेशन राइट मतलब ये जो पिक्चर है आपकी ये वाली पिक्चर में कौन आ रहा है ये? ये हाइपरवाइजर किसी ना किसी कम्युनिटी का आपको यूज करना पड़ेगा तो ये माइट भी आपका हाइपरवाइजर हो सकता है वीएमवेयर का हो किसका हो सब जानते होंगे आप लोग वीएमवेयर का जो हाइपर होता है उसका नाम है ई क्या है ई वर्चुअलाइजेशन कम्युनिटी तो है बट उसने जो वर्चुअलाइजेशन दिया मार्केट में वो वर्चुअलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर वेस्ट वर्चुअलाइजेशन क्या बोलते हैं और डॉकर जो कम्युनिटी है मार्केट में दे प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेस्ट वर्चुअलाइजेशन या दे प्रोवाइडेड कंटेनाइजेशन वेस्ट वर्चुलाइजेशन राइट तो ये डॉकर के बारे में एक फंडामेंटल था सिंपल तो सा जब भी आपसे पूछा जाता है कि वॉट कंटेनर कंटेनर के आने से बेनिफिट ये हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वेस्टेज थी जो कंटिन्यूस हम बीएम एम प्रोविजन कर रहे थे प्रोडक्शन में हम लोग आज हम अपनी कंपनी में वर्चुअल मशीन को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं और एक ही ओएस के अंदर वी आर एबल टू रन नंबर ऑफ एप्लीकेशन पैरली जिससे ऑटोमेटिक क्या हो गया प्रोविजनिंग टाइम मशीन का कॉस्टिंग उसकी मेंटेनेंस, उसकी मॉनिटरिंग और मैन पावर सब कुछ आप यह कर पा रहे हो ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो कंटेनर्स राइट के के right? तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था डॉकर कंटेनर्स का अब सिंपल सा सा डॉकर कंटेनर्स को कौन सी प्रोफाइल के बंदे पढ़ सकते हैं इसको तो डॉकर कंटेनर्स पढ़ने के लिए अगर मुझसे पूछो आप लोग तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बंदा एटलीस्ट सिस्टम एडमिन होना चाहिए पहले क्योंकि इसमें ओवेस पिक्चर में आ रहा है तो पहले यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज बेसिक नॉलेज कम से कम उसको होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कैसे होता है उसमें पैकेज सेटअप कैसे होते हैं उसका नेटवर्क कैसे काम करता है उसका डिस्क पार्ट कैसे काम करता है तो आपको एक एटलीस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वैसे तो कंटेनर टेक्नोलॉजी पोर्टेबल है वी कैन रन एनी विंडो के ऊपर भी हम कंटेनर्स लॉन्च कर सकते हैं ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है लेकिन आज के टाइम पे 90 परसेंट कंपनी जो है मार्केट में कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग ऑन लिनक्स सर्वर तो हाईली मेरा ऐसा बोलना होता है कि लिनक्स एडमिन ही मार्केट में ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू विंडो एडमिन राइट तो एटलीस्ट सिस्टम एडमिन आपके स्किल्स में होना चाहिए एक क्लीनर सिस्टम की आपको नॉलेज कम से कम हो तो डॉकर कंटेनर्स को आप लर्न कर सकते हो ये एक पॉइंट था उसके बाद सर डॉकर कंटेनर्स मार्केट में कहा फिट है तो ये स्पेसिफिक ऐसा मत बोलना आप लोग कभी कि सर इसको सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयरवे कंपनी यूज करती है या तो नहीं डॉकर कंटेनर्स मार्केट में आयदर यू आर इन टेलीकॉम सेक्टर आयदर यू आर इन क्लाउड कंपनी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयरवे कंपनी कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा भी हो मशीन ऑप्टिमाइज सबको करना है मशीन की कॉस्टिंग कम करना सब चाहते हैं तो ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में एवरीवेयर फिट है चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम का हो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी हो क्लाउड बेस्ड कंपनी हो बीएम प्रोविजनिंग की कॉस्टिंग सबको कम करनी होती है बीएम प्रोविजनिंग कम कब होगी जब आप एक ओएस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन पैरेलली रन करना स्टार्ट कर दोगे वो कब होगा जब इन्वायरमेंट आइसोलेट हो ओएस के अंदर तो इन्वायरमेंट को आइसोलेट करने वाला जो टेक्नोलॉजी है ओ के अंदर दिस इज कॉल्ड कंटेनर राइट डन उसके बाद मार्केट में जो डॉकर का जो एग्जाम दे रहा है अभी वो डॉकर अपने आप में कम्युनिटी है राइट right? डॉकर एक कम्युनिटी है अपने आप में जिसका जो पहला एग्जाम है उसको बोलते हैं डीसीए डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट राइट इसका जो पैटर्न है एग्जाम का वैसे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव चॉइस आती है इसके अंदर इसका लैब एग्जाम अवेलेबल नहीं है राइट right? तो ये अभी एक ब्रीफ डिस्कस था थोड़ा सा अबाउट डॉकर अब बात करते हैं अबाउट क्यूबरिटी सर मार्केट में डॉकर टेक्नोलॉजी जब सेपरेट uh, चल रही है मार्केट में तो Kubernetes का एक्चुअल में नीड क्या है जनरल सुना रहता है आप लोगों ने कि इंटरव्यू में डॉकर के साथ में क्यूबरिटी आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है सपोज करो मैं आपसे एक लाइन बोलूं अभी कि सर जिस सिस्टम के अंदर दे आर थ्री कंटेनर्स सर ये मशीन थी इसके अंदर आपने तीन कंटेनर्स लॉन्च कर दिए so, देर तीन थ्री एप्लीकेशन जो एक ही मशीन के अंदर चल रही हैं बट कल को सर क्या हुआ या तो ये पूरा सिस्टम डाउन हो गया या कल कल को इसमें से एक कंटेनर डाउन हो गया तो मेरा मीनिंगे बोलने का कंटेनर की स्टेट को मेंटेन कौन करेगा सर कल को पूरा मशीन डाउन चला गया तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ना एप्लीकेशन आपकी डाउन चली जाएगी तो कंटेनर की क्लस्टिंग मैनेज कौन करेगा इनको किसी नए नोड के ऊपर माइग्रेट कौन करेगा इनकी स्टेट को रिकवर कौन करेगा मैं ट्वेंटी फोर सेवन हर कंटेनर को मॉनिटर नहीं कर सकता बैठ के कि कौन डाउन चल रहा है कौन अप चल रहा है इमिडिएटली अगर मेरा कंटेनर गोस डाउन कभी डाउन होता है तो मुझे नहीं पता कोई ऐसा बंदा दो मुझे निकाल के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जो इसकी स्टेट को मेंटेन करे और समथिंग गोस डाउन तो इट शुड बी ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड दैट एक्चुअल डन बाई क्यूबनिटी क्यूबनिटी सिंपल सा अभी इतना बोलूंगा क्यूबनिटी बेसिकली प्रोवाइड कंटेनर हाई अवेलेबिलिटी राइट कंटेनर हाई अवेलेबिलिटी कंटेनर स्किल स्किल अवेलेबिलिटी ये जो दो, दो टर्म्स होते हैं आई टी के कभी कुछ डाउन जाए तो उसको रिकवर करना कभी लोड ज्यादा हो जाए तो चीजों को ऑन डिमांड स्किल आउट करना राइट right? और चीजों को एक सिंगल साइड से बैठ के एक सिंगल सिस्टम से बैठ के मैनेज करना सर कंपनी में डॉकर होस्ट तो ज्यादा एक डॉकर होस्ट से काम तो होगा नहीं जब नंबर ऑफ डॉकर होस्ट हमारे पास हो जाएंगे तो इनको मैनेज कैसे करेंगे बैठ के हम लोग सो प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ओवर द डॉकर नंबर ऑफ डॉकर कंटेनर्स को बैठ के आप लोग एक सिंगल सिस्टम से बैठ के मैनेज कर सकते हो वो सिस्टम होता है मास्टर जो आपके पूरे क्लस्टर को मैनेज करता है कंटेनर्स को शट डाउन करना कंटेनर्स को बनाना उनको स्टार्ट करना उनको आईपी देना उनको नेटवर्क देना वॉल्यूम देना तो तो जो भी instructions you want to execute, वो system जो भी वो वो होगा होगा। आपका वो Kubernetes होगा। तो सर क्या separately, Docker without Kubernetes नहीं चल सकता? चल सकता? सकता है, लेकिन उसमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं होगी आपको मैनुअल जाके हर सिस्टम पे लॉग करके आपको कंटेनर्स लॉन्च करने पड़ेंगे उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कुछ शटडाउन हुआ तो आपको ही जाके इंट्रेक्शन लेके उसको रिस्टार्ट करना है शटडाउन करना है स्टार्ट करना है उसको जो भी होगा मैनुअल टास्क करने पड़ेंगे बैठ के आपको क्लस्टिंग वाला जो वर्ड होता है वो अचीवमेंट आपको नहीं हो पाएगा फिर राइट right? बाकी तो ट्रेनिंग में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं और भी इसके जो बेनिफिट्स होते हैं बात करते हैं बट अभी आपके लिए फंडामेंटल बात करूं सिंपल सा मैं एक ब्रीफ डिस्कस की बात करूं सो क्यूबिटी वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी स्किल अवेलेबिलिटी क्लस्टिंग कैपेबिलिटी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ये सब जो बात होती है ये अगर आपको चाहिए ओबर द्यूबिटी सॉरी ओबर डॉट ओबर कंटेनर तो एटलीस्ट यू नीड टू इंटीग्रेट एनी ऑर्केस्ट्रेशन टूल मैंने एक टर्म्स बोला ऑर्केस्ट्रेशन टूल तो क्यूबानिटी जो मार्केट में टर्म्स है ये कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन है ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं इसको हम लोग ऐसे ऑर्केस्ट्रेशन और भी आते हैं मार्केट में लेकिन आज के टाइम पे कंटेनर्स के लिए सबसे फेमस जो ऑर्केस्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड क्यूबेटी राइट right? तो प्रोडक्शन में जहाँ डॉकर होगा Kubernetes हमें रिकमेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि हाई availability सबको चाहिए रियल टाइम एप्लीकेशन पर डाउन टाइम सबको सेव करना चाहते हैं तो वो आपको फिर क्यूबरिट आपको रिकमेंड करना पड़ेगा राइट right? तो ट्रेनिंग का जो पात होता है पहले बंदे डॉकर कंप्लीट करते हैं कि एटलीस्ट पहले कंटेनियस की लाइफ है क्या कंटेनियस को बनाना कंटेनियस को नेटवर्क देना वॉल्यूम देना उसको मैनेज करना तो वो एक स्टैंड अलोन डॉकर कंटेनर कैसे यूज करते हैं हम लोग विदाउट क्लस्टरिंग पहले वो कवर आपको करना पड़ता है देन हाउ टू कॉन्फिगर क्लस्टरिंग देन क्यूबरनेटी के बाद क्यूबरनेटी के साथ में कंटेनर्स का यूज केस क्या है वो है पार्ट ऑफ क्यूबरनेटी राइट फिर उसके बाद सिंपल सा क्यूबरनेटी का जो एग्जाम है जैसे डॉकर का एग्जाम होता है मार्केट में उसी तरह से लिनक्स फाउंडेशन ये एक सेपरेट कम्युनिटी है जो क्यूबनिटी का एग्जाम करते हैं कंडक्ट राइट वैसे क्यूबनिटी के तीन एग्जाम होते हैं वन इज सी सेकंड सी के डी और थर्ड सी के सीके एस इसको बोलते हैं सर्टिफाइड क्यूबनिटी एडमिनिस्ट्रेटर ये है डेवलपर और ये है आपका सिक्योरिटी राइट right? वैसे मुझसे आप पूछो तो हाईली सी के एग्जाम इनफ होता है मार्केट में एक क्यूबनिटी पे एक जॉब सेट करने के लिए और बाकी कंसेप्चुअल लेवल से भी सी के एक, एक बड़ा एग्जाम है फिर आपकी चॉइस होती है आपको और भी स्किल ग्रोथ करना होता है तो बाद में कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं सी के डी के अंदर और सी के एस के अंदर राइट right गाइस तो ये एक डिस्कस था मेरे अबाउट डॉकर कंटेनर क्या था मार्केट में तो बट एटलीस्ट आपको सिस्टम एडमिन का जो वर्ड है पहले वो मालूम होना चाहिए देन इसको आराम से आप लर्न कर सकते हो ठीक है इसका अभी मार्केट में इसको पूछते हैं इसको क्या है? तो इसको बाइज आज के टाइम पे कंटेनर टेक्नोलॉजी एवरीवेयर वेयर अडेप्ट हो चुकी है तो ये लंबा चलने वाला एक टेक्नोलॉजी है जो स्टेबल हो चुका है मार्केट में राइट सो आई होप आपको सभी मेरी क्वेरीज समझ में आई होंगी कोई उसके बाद डाउट रहता है तो आप लोग नीचे इसमें नंबर कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है उस पर आप डिस्कस कर सकते हो तो टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ओके फ्रेंड्स तो थैंक्स टू ऑल थैंक्स